साहब होम्योपैथी में आप, जैसा कि मुझे पता है कि करीब 23-24 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने बहुत वास्ट नॉलेज है होम्योपैथी के बारे में। तो सर पैथीज की अगर बात करें तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी बहुत सी हैं, बट होम्योपैथी क्या है ये कुछ बताएं आज। देखिए होम्योपैथी क्या है इसको डिफाइन करने तो बहुत समय लगेगा वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि होम्योपैथी जो नाम दिया गया इसमें हमारे यहाँ जो कहा गया है लाइक टू बी क्योर्स बाय लाइक सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेटस, कि हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूविंग करते हैं दवाओं की। जैसे आप हैं, आप एकदम हेल्दी हैं तो आपको दवाइयाँ खिलाई गई, जो सिम्टम आपके ऊपर आए अगर वही मुझ पर सिम्टम आ रहे हैं, मान लिया कोई फीवर आया, नोजिया हुआ, वोमिटिंग हुआ, बॉडी पेन हुआ, जॉइंट्स पेन हुआ, बड़े जॉइंट में पेन हुआ और हमको भी यही सिम्टम आए, तो जो हमने आपको दवा की आपको खिला के प्रूविंग करी जो सिम्टम आए थे आपके ऊपर वो दवा हमें दी जाएगी। मतलब जो भी कोई नई दवाई की जो रिसर्च की जाती है वो कोई दवाई नई सपोज रिसर्च की और उसको देखना कि किस बीमारी में ये काम आती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य को वो खिला दी गई और उसको खाने के बाद में उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल कर के आई, तो वो पता चल गया कि ये दवाई उसी बीमारी की है, उसी बीमारी, फिर उस बीमारी के लिए कोई पेशेंट मिला तो ये दवाई दे दीजिए, तो ये तो डिफाइंड हो गया कि मतलब अब एक नई रिसर्च होगी दवाई की। डॉक्टर हेनिमन ने जो पेशे से जो है एलोपैथी चिकित्सक थे, MBBS, MBBS डॉक्टर, और वो जो उस समय का सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था कि आपको बीपी बढ़ गया आपको लीच चिपका दी गई। क्या चिपका दी? लीच। अच्छा, ओके। जो चिपका के बीपी कम कर दिया गया, ये कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे ही थे चीजें जो उनको अच्छे नहीं दिखते थे, तो वो प्रैक्टिस तो कम करते थे, दूसरे काम ज्यादा करते थे, रिसर्च वर्क करते थे, या उन्होंने उस समय कर रहे थे कि केमिस्ट का काम कर रहे थे, केमिस्ट का कि कुछ चीजों को जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रांसलेट कर रहे थे किसी बुक को, तो उन्होंने वहाँ पढ़ा एक मेडिसिन हमारे यहाँ चाइना सिंकोना ऑफिशनलिस चाइना बाग आता है, तो उससे उन्होंने पढ़ा कि वहाँ किसी डॉक्टर ने लिखा कि डॉक्टर हेनिमन फादर ऑफ द होम्योपैथी जरूर है, लेकिन ये डिस्कवरी उनकी नहीं थी ऐसा कहा जाए तो। पहले से भी इस पे काम हुआ था, तो उसने जिसने लिखा था जो बुक थी उसमें लिखा हुआ था कि सिंकोना बाग खाने से जो सिम्टम आते हैं वही सिम्टम जो है मलेरिया फीवर के भी होते हैं, तो वो मलेरिया फीवर में काम आती है। सिंकोना बाग इज द नेम ऑफ मेडिसिन, नेम ऑफ द मेडिसिन प्लांट, सिंकोना प्लांट है, सिंकोना ऑफिशनलिस, उसका जो बाग होता है जो बाहर की जो छाल होती है उसे मेडिसिन बनाई जाती है। हाँ, उससे मेडिसिन बनाई जाती है, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इसको पीने से जो सिम्टम आते हैं वही सिम्टम ये ठीक भी करती है, तो ये मलेरिया के सिम्टम होते हैं तो मलेरिया फीवर को ठीक भी करती है, वहीं से उनको ये आइडिया आया, तो उन्होंने पहले सिंकोना बाग को पिया। तो ये चीज कहीं पुरानी किसी बुक में कोट थी कि सिंकोना बाग खाने से क्योंकि मलेरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं इसलिए इस दवाई को मलेरिया में दिया जा सकता है, दिया जाता है। तो डॉक्टर हनीमैन को ये आइडिया आ गया कि फिर अब जो भी नई रिसर्च करो वो उन्होंने उसको खा के देखा, फिर अच्छा सिम्टम्स आए तो उनको लगा कि यार ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि जो बाकी प्रूविंग लोग करते हैं वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग नहीं होती है। हाँ, वो पेशेंट्स पे ही करते हैं। नहीं, पेशेंट्स पे करते हैं, वो तो बाद में करते हैं। इनिशियल स्टेज में तो जानवरों पे होती है ना, रैट्स पे, उस पे क्या कहते हैं, खरगोश पे, रैबिट्स पे, इन सब पे होती है, एनिमल से, और बंदर हो गया, तो इन सारे जानवरों पे की जाती है, तो उनके और हमें डिफरेंस है कुछ ना। Correct, exactly. तो उस पर जो सिम्टम आएंगे हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिम्टम जो है ह्यूमन बींग्स पे भी आए वो एनिमल्स पे भी आए, बट होम्योपैथी में वो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे ही, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज है तो आपको प्रूविंग के लिए रखा जाएगा, आपको कोई बीमारी है कुछ भी है तो आपको प्रूविंग में नहीं लिया जाएगा, और प्रूविंग की जाती है तो वो बहुत लंबे समय तक चलती है कि सारे सिम्टम कलेक्ट किए जाते हैं, दिन में आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, ठंड से बढ़ रहा है, गर्मी से बढ़ रहा है, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, उसी कलेक्शन करने के बाद जो हमें कहते हैं जो भी पेशेंट को दूसरा आता है वो अगर वो सिम्टम मैच कर रहे होते तो वो मेडिसिन दी जाती है। तो ये तो डॉक्टर साहब बात हो गई कि होम्योपैथी की नई मेडिसिन कैसे रिसर्च होती है। अच्छा, एक जो मिथ है जनरली हम सभी लोग जानते हैं बचपन में भी होम्योपैथी की वो सफेद वाली गोलियां खाते हैं मीठी मीठी वाली, कि ये ट्रीटमेंट बड़ा स्लो रिजल्ट देता है, कि एलोपैथी खा लो तुरंत दर्द में आराम मिल जाएगा, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए एक्यूट केसेस में
होम्योपैथी से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे वो फीवर हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, कॉलरा, व्हाटएवर इज एक्यूट। अच्छा, ये मिथ है कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, ठीक है ना। आपको फीवर आ रहा है तो फीवर में आपको तुरंत आराम मिलेगा विद इन 24 आवर्स। वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, विद इन 1 डोज 2 डोज आपको आराम मिल जाएगा। तुरंत चेक होता है, ऐसे डायरिया चेक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मिथ डॉक्टर आया कहाँ से? अगर ऐसा है तो फिर ये मिथ कहाँ से जनरेट हुआ है कि होम्योपैथी में बहुत धीरे धीरे आराम मिलता है? अब चूंकि क्रॉनिक केसेस में डॉक्टर हेनमैन कहते हैं कि जितने समय में बीमारी है उतने समय में जाएगी। ओके, तो क्रॉनिक केस में धीरे धीरे अस्थमा हुआ है तो एक दिन में नहीं हुआ। अगर अस्थमा एक दिन में आपको डेवलप नहीं हुआ तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज आया, आपको बुखार आया तो भी आया तुरंत ना, तो उसको तो तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस बीमारी में आपको लॉन्ग टर्म हो गया, कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, पहले सांस फूल, पहले खांसी आना शुरू हुआ, जुकाम रहता था, धीरे धीरे सांस फूलने लगी, तो सिम्टम धीरे धीरे आए ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सपोज अस्थमा की आपने बात की, तो हम अस्थमा की ही बात करते हैं जी, कि एक अस्थमा का पेशेंट है जी, आप कह रहे हो कि जितनी देर में जितने साल उसको डेवलप होने में हुए हैं उतने ही धीरे धीरे जाएगा जी। तो सपोज 1 साल हुआ और आपने ट्रीटमेंट शुरू किया और जो एलोपैथिक में अगर जाता है वो तो वो तो पंप इनहेलर लेगा और उसको तुरंत आराम मिल जाएगा जी। ठीक, तो क्या वो 1 साल तक पेशेंट परेशान रहेगा ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योर होने की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्योर होने के लिए 1 साल लगेगा, रिलीफ तो होगा ही ना तुरंत। हाँ, तो ये मिथ फिर कुछ गड़बड़, ये मिथ इसलिए आया या जो कहे कि धीरे धीरे काम करती है, ये हम होम्योपैथ ने ही फैला रखा है। लैक ऑफ नॉलेज है, आपने सही दवा नहीं दी, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हमने दवाई गलत दी है, ठीक है। हमने कहा भाई होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, तो ये हमारी तरफ से फैलाया मिथ है, ये हम लोग की गलती है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है। आप सही ड्रग निकाल नहीं पाते, सही ड्रग निकाल नहीं पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहते हैं कि भैया होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, तो आप एक एक्सक्यूज बना दोगे भैया वेट करो अभी धीरे धीरे असर करेगी। अब हमारे आप कई वीडियो देखेंगे, हमारे पड़े हुए यूट्यूब पर कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने, एक पेशेंट हैं पैंक्रियाटाइटिस के आनंद, उन्होंने कहा है कि ना कि मैं पैंक्रियाटाइटिस के पेन से परेशान था, आया यहाँ पर और आने के दवा खाने के 5 मिनट के अंदर ही दर्द चला गया उनका, विद इन 5 मिनट्स। इतनी तेज तो कहते पेन किलर्स भी काम नहीं करते, इतनी तेज होम्योपैथी काम करती है। बट सिलेक्शन ऑफ ड्रग शुड बी राइट, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप खिलाते रहिए, 4-6 दिन खिलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो ये तो पॉइंट आपने अच्छा बताया कि एक्यूट अगर है तो एक्यूट में रिलीफ तो तुरंत मिलेगा, बट पूरी तरीके से ठीक होने में उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम में बीमारी आई है। नहीं, ये क्रॉनिक के लिए, क्रॉनिक के लिए। और एक्यूट में उसको रिलीफ भी तुरंत मिल जाएगा, रिलीफ भी तुरंत मिलेगा, ठीक भी तुरंत होगा। अब डायरिया हुआ आपको, अगर जो हमने कहा 4 दिन में डायरिया में रहेंगे तो आप क्या 20-25 बार आपको जाना पड़ रहा है दिन भर में, खत्म हो जाएगा आदमी, ठीक है ना। तो डायरिया हो रहा है तो अभी खाइए। मेरे पास एक लड़की आती थी बनारस से, उसको वोमिटिंग होती थी, 20-25 वोमिटिंग रोज। ओ माय गॉड, पूरा बनारस दिखा चुकी थी, पूरा लखनऊ दिखा चुकी थी, फिर BHU के किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि हमारे पास होम्योपैथी में दिखाने के लिए। Day 1 आई है, उसको 2 डोज उसने मेडिसिन की खाई है और उस दिन उसको रात में वोमिटिंग हुई, नेक्स्ट डे एक भी वोमिटिंग नहीं हुई। नहीं, तो इसमें आपने डायग्नोसिस भी तो किया होगा कि उसको प्रॉब्लम क्या थी। यस, क्या था? हमें आधा पौन घंटे हिस्ट्री लेनी पड़ती। देखिए, हमारे यहाँ डिजीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ व्हाट आर द सिम्टम्स, हमारे यहाँ डिजीज डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ मेडिसिन डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपनी मेडिसिन सिलेक्शन जो किया है वो सही है। अगर वो सिम्टम सही से मैच कर रहे हैं तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आप डिजीज पे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपको डायरिया हो गया है, आपको क्या कहते हैं कॉलरा हो गया है, ठीक है, इस पे आप जज करेंगे तो आप कभी कहते हैं कि पेशेंट क्योर नहीं कर पाएंगे। ये होम्योपैथी का बेस नहीं है, ये होम्योपैथी का बेस नहीं है ना। हम टोटैलिटी ऑफ सिम्टम पे डिपेंड करते हैं कि क्या टोटैलिटी ऑफ सिम्टम है, क्या उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम है। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम ये भी नहीं क्या कहते हैं कि आपको डायरिया हुआ है तो सबको ऐसा होता है तो वही सिम्टम होगा, कि यहाँ पानी आ रहा है, स्टूल पास, वाटर पास हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ तो पिकुलियरिटी होगी उस केस में भी। जब इतनी बात चली तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, पता नहीं ये भी मिथ है या सच है, कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि एलोपैथिक में कोई भी बीमारी है वो खत्म होती है या नहीं होती है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट होम्योपैथिक में जड़ से खत्म हो जाती है कोई बीमारी,
इस बारे में आप बताइए, क्या ये वे भी मिथ है या सत्य है? नहीं नहीं, अगर ये मिथ होता तो लोग क्रॉनिक केसेस के लिए होम्योपैथी में नहीं जाते। एलोपैथी छोड़कर अगर आते हैं होम्योपैथी में तो वो एलोपैथी छोड़ कर कहते होम्योपैथी में नहीं आते ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो रूट कॉज पे जो मेडिसिन देते हैं वो रूट कॉज पे मेंटेनिंग कॉज पे आगे काम करती है। कांटा लगा रहेगा अगर आपको तो पेन किलर खाने से दर्द तो आराम हो जाएगा, बट वो कांटा निकलेगा नहीं। जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो जी ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा। तो हमारी मेडिसिन उस कांटे को निकालती है। इवन जो मैं कांटे की बात आ गई तो मुझे याद आया, इवन जो बंदूक की गोलियों के छर्रे लगे होते हैं ना, एक मेजर साहब थे हमारे कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर वो आते थे दिखाने, उनके सारे छर्रे निकल आए थे जो धंसे हुए थे बॉडी के अंदर। ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ दवाई खाने से या वो दवाइयां किसी और चीज की ले रहे थे, उनके छर्रे बाहर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? बॉडी ने निकाल दिया, इवैक्यूएट कर दिया उसको। इवन मेरी आंख में एक बार कीड़ा गिर गया था, मैं जा रहा था बाइक से, बहुत पुरानी बात है, तब मैं बाइक से बारामकी आता था, मेरी क्लिनिक है वहां पर, तो आंख में कीड़े की टांग रह गई। ओह माय गॉड। और बहुत बड़ा कीड़ा था तो मैं चिनेट से ही लौट आया वापस, और मैंने यहाँ मेडिसिन ली, 4 घंटे में मेरी आईज में पस पड़ गया और वो कीड़े की टांग बाहर हो गई। और एक केस बताऊं मैं आपको, ऐसी एक आंख में एक बच्चे को, मैं कानपुर जब पढ़ता था थर्ड ईयर में था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर जो है उसला, उसमें डॉक्टर थे डॉक्टर त्रिपाठी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, उनके पास एक केस आया, उस बच्चे के हाथ में लकड़ी घुस गई थी। तो उन्होंने मजाक उड़ाने के मूड में हमारी सीनियर थी डॉक्टर दिव्या सिंह मैम, उनसे बोले क्या कर लोगे इसमें तुम लोग, लकड़ी निकाल दोगे बिना ऑपरेशन के? तो उन्होंने कहा जी सर। तो उन्होंने त्रिपाठी जी वैसे पेन रख दिया, बोले ठीक निकाल के दिखाओ। अच्छा, विदाउट ऑपरेशन? विदाउट ऑपरेशन। मैम थी हमारी सीनियर थी, इंटर्नशिप कर रही थी शायद या फाइनल में थी, मुझे इतना याद नहीं है। तो लकड़ी का टुकड़ा बहुत अंदर कहीं, मतलब अंदर आइस के अंदर घुसा हुआ नहीं, मतलब वो दिख नहीं रहा था, दिख रहा था। अच्छा, कांटे रहा था। कांटे की तरह अंदर चुभा हुआ है, कांटे की तरह चुभा हुआ था, ठीक ठाक मोटा था। अच्छा, और बोले निकाल के दिखाओ। अच्छा, डॉक्टर दिव्या मैम ने मेडिसिन दी, तीसरे दिन लकड़ी का टुकड़ा लेके बाहर आ गया वो, विदाउट ऑपरेशन। विदाउट ऑपरेशन। तो अल्टीमेटली मतलब कि एक तो क्योर है और डिपेंड करता है कि मेडिसिन अगर प्रॉपर अगर है तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपका सही है। अगर प्रॉपर है तो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, उतना सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। कई मिथ आपने आज क्लियर कर दिए, जितने भी कोई भी क्वेश्चन थे इसको लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद।